वेलकम टू वियतनाम। सो फाइनली हम लोग दानंग पहुंच चुके हैं। सो बहुत लंबा सफर रहा, हुआ क्या कल, अभी मैं कुआलालंपुर में उसके पहले गया था, तो कुआलालंपुर में मैंने वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा रश हो गया भाग दौड़, क्योंकि फ्लाइट लेट थी हमारी कल रात को जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था फ्लाइट लेट है। तो कुआलालंपुर में फ़्लाइट पहुँचा 8:30 पहुँचा और 9 नेक्स्ट फ़्लाइट था। अब 8:30 पहुँचा, 9 नेक्स्ट फ्लाइट था वहाँ का लोकल टाइम पे। हम भागते भागते फ्लाइट के लेने गए, इतना टाइम नहीं बचा कि मैं वीडियो ब्लॉगिंग कर सकूँ, इसलिए मैं कुआलालंपुर में ब्लॉगिंग किया ही नहीं। कुआलालंपुर में क्या ज़्यादा कुछ नहीं, जब बोर्डिंग कर रहे थे तो उसमें पूछा आपको वीज़ा दिखाइए, मैंने वीज़ा दिखाया, उन्होंने टिकट पर कुछ स्टैम्प कर दिया। अभी मैं हूँ दानंग में, दानंग जो कि वियतनाम में है, मैं डायरेक्टली यहीं लैंड किया हूँ। इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल था, मैं गया इमिग्रेशन में, वहाँ बस मेरा पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा, एक क्वेश्चन तक नहीं, मैंने कुछ तो पूछे, मैंने से ऐसा नहीं है, लैंग्वेज नहीं आती, नो इंग्लिश, इमिग्रेशन ऑफिसर नो इंग्लिश, कुछ नहीं पूछा, बस दे दो स्टैंपिंग, डन, उतना ही है। अब प्लान क्या है, अब यहाँ सिम लेते हैं, कुछ कैश कन्वर्ट करवाते हैं, फिर चलते हैं अपने दानंग के वियतनाम के ट्रिप पे। सो अभी हमने एयरपोर्ट से ही $10 में 2 वीक का अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ सिम लिया है, और यहाँ पे मनी एक्सचेंज है जहाँ पे हम अभी कुछ डॉलर, लगभग $100 को वियतनामी डॉग में कन्वर्ट करवाने वाले हैं ताकि हम कैब और डिनर लंच कर सकें। सो यहाँ की करेंसी है। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि एयरपोर्ट से आप कम से कम डॉलर को VND में कन्वर्ट करवाएं, वियतनामी डॉग में कन्वर्ट करवाएं, क्योंकि एयरपोर्ट पे अच्छी कन्वर्जन चार्ज नहीं मिलती है। सो आप दानंग आ रहे हैं, दानंग में ओल्ड टाउन है जहाँ बहुत अच्छी कन्वर्जन चार्ज मिल जाती है, तो हम वहीं से बाकी डॉलर कन्वर्ट करवाएंगे। तो अभी हमने कैब बुक किया है और यहाँ से हम जा रहे हैं होयान। सो फाइनली हम यहाँ कैब पे आ चुके हैं। सो एयरपोर्ट से एग्जिट हो गया। सो इमिग्रेशन तो मैं बताया आपको, बहुत ही सिंपल इमिग्रेशन रहा, ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल बस स्टैम्प हुआ इमिग्रेशन आउटसाइड। सो अभी हमने ग्रैब ऐप यूज़ किया, आप यहाँ पे आ रहे हो तो यू कैन यूज़ ग्रैब ऐप जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे टैक्सी बुकिंग के लिए। तो अभी हमने ग्रैब ऐप बुक किया, टैक्सी बुक किया, अब यहाँ से ये जा रहे हैं होयान में, हमारा एक होटल लिया हुआ, हमने अभी होटल जाएंगे, कुछ होटल जा के बाद कुछ फ्रेश होंगे, फिर चलते हैं कोई इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। इंडियन रेस्टोरेंट से लेके हमारे साथ सीखा के मम्मी पापा भी हैं तो हम धमाया चल जाता है, वहीं पर लोग तो उनको इंडियन खाना जरूरी हो जाता है। जानते हेलो अमित, माना हिल्स, डू यू हैव अ प्लान टू गो आउट माना या टुमारो? नॉट टुमारो, आई विल लेट यू नो। ओके, यस टुमारो। Có thể chở bạn từ Hội An đến Đà Nẵng, sau đó bạn đi tham quan đúng không? I can drive you to Hội An, Đà Nẵng, then go to sightseeing, right? Yes. Okay. Yes. How much charge? So वियतनाम में इंटर करते ही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी यहाँ स्टार्ट हो चुकी है वो है लैंग्वेज। यहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, इसलिए लोग क्या लोकल लैंग्वेज जानते हैं, तो हमें हर बार कन्वर्टर यूज करना पड़ता है, ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर कन्वर्ट करने के लिए। कुछ भी बोलना है पहले गूगल ट्रांसलेटर में कन्वर्ट करो, पहले वियतनाम टू इंग्लिश, इंग्लिश टू वियतनाम, विच इज़ एक्सट्रीमली टाइम टेकिंग। Okay, 15 lakh. Okay, I got it. Okay, we'll let you know. You want to say something? So, Vietnam में enter कर गए हैं और थोड़ा सिटी का नज़ारा ले रहे हैं, कैसा है क्या है, एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम हेयर इज़ कि आपका लैंग्वेज ना हिंदी और ना इंग्लिश जानते हैं यहाँ के लोग, सो कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, सो क्या होता है ना, इट्स टाइम टेकिंग, आप किस चीज़ को बोल रहे हो, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट, देन यू हैव टू रिपीट इट अगेन, बट मज़ा आ रहा है। और मैं आपको 5 रीज़न बताऊँगी कि मैंने क्यों वियतनाम यूज़, मैंने क्यों चूज़ किया, स्टे अपडेट, थोड़ा वेट करो, मैं बताऊँगी आपको। ये पूरा स्ट्रीट का व्यू है, काफ़ी ग्रीन तो लग रहा है, ये सब सारे शॉप्स वगैरह है।
चेक इन कर लिया है होटल में एंड दिस इज़ द होटल रूम एंड यहाँ पे आपको इस टाइप का टेबल मिला हुआ है एंड रेफ्रिजरेटर है, टीवी है एंड टू बिग साइज बेड है जो कि काफ़ी है 4 पर्सन के लिए एंड रेस्ट रूम है, हमने एसी वाला रूम बुक किया है तो विथ एसी इंक्लूडेड है एंड ऑल्सो देयर इज क्या बोलते हैं हमें इसको, लॉकर, यस लॉकर इज ऑल्सो अवेलेबल एंड अ वेरी क्यूट स्मॉल बालकनी ओवर हियर एंड हम यहाँ पे मोस्टली 1 नाइट ही स्टे करने वाले हैं, येट नॉट डिसाइडेड बिकॉज हमें कवर और भी करनी थी बट देखते हैं क्या क्या कवर कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग फॉर लंच, हम लंच का एक रेस्टोरेंट ढूँढे हैं, महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट इन वियतनाम, तो देखते हैं वहाँ का फूड कैसा है. और हमारे होटल से जस्ट 5 मिनट्स ऑफ वॉक बता रहा था तो अभी हम वॉक कंटिन्यू कर रहे हैं और थोड़ी बहुत स्ट्रीट भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो काफ़ी अच्छा एंड कलरफुल रेस्टोरेंट एंड क्यूट लग रही है. बेटा रूम का कितना चार्ज है? 328 बोले ना. 10 लाख. 10 लाख बाप रे, 10 लाख में तो हम इंडिया में 4 तल्ला बिल्डिंग फिट लेंगे. 10 लाख बीएनडी है. एक्चुअली हमारा होटल का जो 1 नाइट का प्राइस है 990,000. तो हमने जो होटल बुकिंग किया है 1 नाइट का, जो आज हम 1 नाइट स्टे कर रहे हैं, उस होटल का 1 नाइट का प्राइस है 9,90,000. तो आप समझ लो अप्रॉक्सीमेट 10 लाख हम 1 नाइट का पे कर रहे हैं. अगर उसी 10 लाख का अगर हम बात करें इंडिया में तो हम आराम से मतलब ज़मीन वमीन ले कर घर बना सकते हैं. तो आप समझ लो ऐसे गाँव का एरिया बता रही हूँ, ऐसे 10 लाख कुछ भी नहीं है. बट एक्चुअली आप समझ जाओ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पे मतलब प्राइस है. जैसे अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पे दो पीस समोसा का 59,000 है. 59,000 मतलब अप्रॉक्सीमेट आपका हो गया 60,000 मतलब वियतनाम डैंग. तो अगर हमने कन्वर्ट किया इंडियन रुपीज में तो आपका हो गया 200 अप्रॉक्सीमेट. तो मतलब आप 200 रुपये का 2 समोसा आप यहाँ पे ले रहे हो. और ये एक्चुअली इतनी महंगी नहीं चीज़ें लग रही है मतलब, मगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में हो और आउट ऑफ कंट्री हो तो और भी चीज़ें बढ़ जाती हैं. तो ये जो रेस्टोरेंट है काफ़ी चीज़ें प्राइस महंगी लग रही है. लाइक फ्रेंच फ्राइज का भी 59,000 है. और भी चीज़ें हैं, मैं आपको फाइनल बताऊँगी कि क्या प्राइस हुआ. फूड काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे आपको 4 लेवल का स्पाइसी लेवल है. हमने 3rd नंबर का स्पाइसी मंगवाया था एंड फूड काफ़ी डिलीशियस था. मतलब हम चारों को पसंद आया. बेस्ट थिंग ये रहा और स्पाइसी लेवल आप चूज़ करके लेना. हमने 3rd वाला लिया था तो काफ़ी स्पाइसी था. सो आई एम गोना सजेस्ट यू द मीडियम वन. एंड हमारा टोटल बिल आया है 6,99,000 का, विच इज़ हमने क्या किया कि कार्ड से ही पे कर दिया क्योंकि हमारे पास अमेरिका का कार्ड तो है ही. तो हमें USD में कम पड़ी, हमें अराउंड $27 पड़ा, विच इज़ नथिंग एक्चुअली. बट आप अगर इंडियन रुपीज़ देखो तो काफ़ी ज़्यादा है. तो आप कैसे सोच रहे हो इसका ये मैटर करता है. बट काफ़ी अच्छा रहा, फिर तो काफ़ी अच्छा है. बट आप यहाँ पे आ रहे हो और आपको ऐसा सोचो कि आप 7 लाख का, आप सिर्फ 7 लाख्स का 4% आप लंच कर रहे हो तो थोड़ा तो डिफरेंट है. बट लेट्स गो फॉर, हमारे होटल में स्विमिंग पूल भी है. सो वी आर नॉट एबल टू डिसाइड, हमने बहुत थक गए हम लोग. लास्ट नाइट हम सो भी नहीं पाए. सो वी आर स्टिल डिसाइडिंग कि हमें पूल जाना है या आउटसाइड जाना है या सोना है. तो मैं आपको अपडेट करती हूँ. तो ये जो आप बॉटल देख रहे हो मेरे हाथ में बिल्कुल छोटी सी, आप इसका प्राइस इमेजिन करो. एंड इसकी प्राइस है 15,000 इन वियतनाम. एंड थोड़ा तो डिफरेंट है बट मज़ा आ रहा है. और ये सारा स्ट्रीट है, आप देखो कितना प्यारा दिख रहा है, लग रहा है काफ़ी खूबसूरत सा दिख रहा है. एंड बेस्ट थिंग कि यहाँ पे पूरा क्लीन है, मतलब तुरंत वो क्लीन कर रहे हैं, आई कैन सी डैट. एंड सिटी बहुत अब तक मुझे क्लीन मिली है, साइड जाकर देखने पर पता चलेगा. फिलहाल तक का अभी तक का तो मेरा रिव्यू बहुत अच्छा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है. वेलकम टू
हुयान। So, अभी हम फिर आ गए रेनकोट पे। रेनकोट पे इसलिए कि हमारे इंटर करती इतना जबरदस्त बारिश हुआ है, एकदम थंडर स्टॉर्म के साथ हुआ है और बारिश के कारण यहाँ सब कुछ बंद हो गया। तो हम सोचे कि चलो अभी आज आए हैं तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो यहाँ का जो नाइट मार्केट है, नाइट लाइफ मार्केट है, वो भी हो लेते हैं, पर सब कुछ बंद है बारिश के कारण। यहाँ पे कोई बोट भी नहीं चल रही, सीखा इसलिए बोट चलती है, चल ही नहीं रही आज, जो खूबसूरत लगता है। तो हम चल रही है, दिख तो रहा है, पर अभी इसमें फ़ोटो वीडियो नहीं आ पाएगा। अच्छा, एक तो बोट दिख रही है वहाँ चलते हुए, और मुझे नहीं तो फोटो वीडियो अच्छा आ पाएगा, फोटो वीडियो तो नहीं। तो हमें फिर कल आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ बहुत सारी पब क्लब्स मार्केट है, तो अभी सब काम हो जाने को हम भी जाएंगे किसी पब क्लब में, वहाँ जाकर कुछ इन्जॉय करते हैं। वो स्क्विड है, स्क्विड मिठाई मिठाई चाहिए, स्क्विड मछली होता है, मछली होता है, ऑक्टोपस में मछली ही है। अरे वहाँ फोटो लेते हैं, चलो। अभी बारिश के कारण पूरा ये माहौल ख़राब, पूरा जो है डार्क हो चुका है, क्योंकि क्लाउडी भी स्काई है, बारिश भी हो रही है। लेकिन अगर बारिश नहीं होती, मैंने इसका नॉर्मल वीडियो देखा, बहुत सुंदर लगता है बोट चलते हुए यहाँ पे। पर लोग अभी भी जो आए हैं, जो टूरिस्ट है, वो तो जाएंगे बोट पे, मैं भी दिखता हूँ, मैं भी जाऊँगा थोड़ी देर में। तो टूरिस्ट लोग तो गए हुए ऑलरेडी बोट पे, वहाँ उधर बहुत अच्छा लग रहा है। आगे मैं क्या दिखाता हूँ आपको। हाँ, सिखाया दीजिए ना। बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ इतना मज़ा आ रहा है कि यहाँ पे इतने लोगों को देख के, बिकॉज सब छाता रेनकोट लेके सारा तो फॉरनरी है जो यहाँ पे अभी भी बारिश पे भी अपना जो वेकेशन है स्पेंड कर रहे हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। सीखा सीखा कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त, बट द बैड थिंग इज अबाउट दिस रेन, आई डोंट वांट। अरे इतने लोग कितने एंजॉय, दूसरे देखो कैसे, फिर भी लोग तो एंजॉय कर ही रहे हैं। ठीक है, चलते पूरा चलो चलते हैं। हाँ, देखते हैं कितने लाख का है। बोलने 50 का एक है। अच्छा, 50,000 का एक। तो अभी सीखा ने वो एक कैंडल भी लिया है जो पानी में फ्लोट कर रहा है, बहुत सारे कैंडल फ्लोट करते हुए दिख रहा होगा आपको वहाँ पे। कुछ कैंडल लिए, देखिए फ्लोट हो रहा है, इस तरह फ्लोट होते हैं कैंडल लिए। तो दो कैंडल लिया है सिखाने। सो बोट राइड ख़त्म होने के बाद हम यहाँ आ गए हैं यहीं के लोकल रेस्टोरेंट में, जहाँ का थीम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। यहाँ से पूरा व्यू भी बहुत अच्छा है, सेकंड फ्लोर पे है। तो यहाँ पे हम कुछ यहाँ का लोकल फूड ट्राई करते हैं, लोकल बियर ट्राई करते हैं, एंड देन वी विल हेड टुवर्ड द नेक्स्ट अट्रैक्शन।
तो यहाँ जो है पूरा मार्केट लगा हुआ है वियतनाम में, लेना सीखा मैग्नेट सीखा मैंने देखना होगा ले दीजिए ना डू यू हैव सुवेनियर 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 नो मैं यहाँ सुवेनियर ढूंढ रहा हूँ पर अभी इनके पास है नहीं